प्रदेश में अपराधी बदमाश इन पर शिकंजा कसने का भले ही दावा किया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सुल्तानपुर शहर के विनोबापुरी क्षेत्र में पीड़ित की बैनामे की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। सांसद मेनका गांधी ने कोतवाली पुलिस को कार्यवाही के निर्देश भी दिए थे, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अंत में जब उन्होंने SDM को कब्जा रोकने के निर्देश दिए, तब जाकर कुछ बात बनी। पीड़िता सरोज गुप्ता पत्नी लालचंद गुप्ता ने कोतवाली नगर के विनोबापुरी मोहल्ले में जमीन का बैनामा लिया था। आरोप है कि लंबुआ कोतवाली के बभनगवा के रहने वाले अर्जुन सिंह, अजय सिंह, विजय बहादुर सिंह आदि दबंगों ने उस जमीन पर जबरन निर्माण कराकर कब्जा कर लिया। पीड़िता पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो उसकी एक नहीं सुनी गई। उसने थक हार कर सांसद मेनका गांधी से गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि सांसद ने कोतवाली पुलिस को कब्जा रोकने का निर्देश दिया, जिसको टाल दिया गया। इसके बाद गुरुवार को जब सांसद सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची तो पीड़िता ने उनसे मिलकर फरियाद सुनाई। उन्होंने पीड़िता को आज सुबह जनता दरबार में बुलाया था। वो जब यहां पहुंची तो सांसद ने उससे शिकायती पत्र लेकर उप जिलाधिकारी सदर समेत कोतवाली नगर पुलिस को अवैध कब्जा रोकने का निर्देश दिया है। सुल्तानपुर से Now44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now44 न्यूज चैनल।